असलम डर स्टूडेंट्स वेलकम टू द स्टार्स अकेडमी हेड ऑफिस इलामा इकबाल चौंग टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर यूनिट नंबर थ्री और इफ यू रिमेंबर यूनिट नंबर जो थ्री है इसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट इन्जाइम मेकेजम ऑफ इन्जाइम एक्शन इफ़ यू रिमेंबर द लेक्चर सो इससे रेलिवेंट आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो लेट्स डिस्कस द एम सी कज अबाउट इन्म्स क्वेश्चन नंबर वन देखेगा बाइंडिंग एंड कैटालिसिस इन एंजाइम काइनेटिक्स इज कैरीड आउट बाय अब इसमें देखिएगा बाइंडिंग एंड कैटालिसिस दोनों वर्ड यूज किया जा रहा है ठीक और ये कौन कर रहा है तो चूंकि दोनों पॉइंट इंडिकेट किए जा रहे हैं ठीक है इसलिए राइट आंसर हमारे पास जो बनेगा दैट मस्ट बी एक्टिव साइड इफ यू रिमेंबर यानी सपोज दैट ये हमारे पास इंजाइम है अब आपको आइडिया है एक को हमने कहा था कि इसका जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इट्स अ बाइंडिंग साइट रिमेंबर और जो दूसरा पार्ट हमने डिस्कस किया था दैट इज नोन एज कैटालिटिक साइट ठीक एंड यू नो कैटालिटिक साइट जो है इसका काम होता है कैटालिसिस करना तो आप देखिएगा इसमें एक पोर्शन दिया हुआ है कैटालिसिस इसका यानी एक्टिव साइट का और बाइंडिंग साइड का जो काम है यू रिमेंबर इसका काम होता है बाइंड करना और रिकोगनाइज करना किसको को डेफिनेटली सबस्टेट को तो ये सबस्टेट को रिकोगनाइज करेगी देन उसके साथ बाइंड करेगी सही तो आप देखिएगा ये इसके लिहाज से उन्होंने बाइंडिंग का वर्ड दे दिया और कैटालिटिक साइड के अकॉर्डिंगली कैटलिस का वर्ड दे दिया इसका मतलब युवा दोनों साइड्स को एक साथ मिलाया जा रहा है एंड यू नो दोनों किसकी साइड्स आ रही हैं दैट मस्ट बी द एक्टिव साइड इसलिए हमारे पास राइट आंसर क्या बनेगा एल्फा ठीक तो एक्टिव साइड इज द राइट आंसर है क्लियर क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा एक्टिव साइड ऑफ एम इज कंपोज ऑफ डैश अमाइनो एसड्ड आपने एक चीज पढ़ी हुई है यही जो एक्टिव साइड है आपकी पीटीबी में पंजाब टेक्स बुक के अंदर इट इज मेड अप ऑफ फ्यू असड अब ये फ्यू कितने फ्यू है अब इस चीज को स्पेसिफाई किया फेडरल बुक के अंदर को अगर आप पढ़े तो उसमें फ्यू है टू ट्वेल्व है तो राइट आंसर चार्ली बनेगा क्लियर ओके क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा इन रिक्वायर्ड डैश मीडियम फॉर इट्स वर्किंग कौन सा मीडियम रिक्वायर्ड है तो आपको आइडिया होना चाहिए इंजाइम जो उनसे है वर्क बेस्ट इन द एक्वस मीडियम राइट इसलिए आपको बताया कि साइटोसोल का नाइनटी uh, परसेंट जो पोर्शन है वो सारा वाटर बेस्ड है सही बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइज है आपको आइडिया उसमें हम क्या कहते हैं वाला मैट्रिक्स है या स्ट्रोमा है वो भी लिक्विड पार्ट है सारे उसमें इंजाइम काम करते हैं फिर जो भी आप रिएक्शन देखिए हम कहते हैं ये हाइड्रोलिसिस हो रही है या फिर ये हाइड्रेशन प्रोसेस है या कहते हैं डीहाइड्रेशन सिंथेसिस है तो कहीं ना कहीं वाटर रिलीज हो रहा है या वाटर ऐड हो रहा होता है सही तो याद रखिएगा एंजाइम्स रिक्वायर एक्वस मीडिया फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ओके तो राइट आंसर हमारे पास डेल्टा बनेगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्वेश्चन नंबर फोर एक्टिव साइड इज प्री डिटरमाइंड शेप अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल ख्याल में कौन सा मॉडल है जो कहता है कि एक्टिव साइड प्री डिटरमाइंड शेप है पहले से मतलब फिक्स शेप है तो आपको आइडिया है इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो ये है जी लॉक एंड की मॉडल जिस तरह कहता है एक स्पेसिफिक की जो है एक स्पेसिफिक लॉक के लिए रिक्वायर्ड होती है तो लॉक के अंदर एक स्पेसिफिक शेप है प्री डिटरमाइंड क्लियर तो प्री डिटरमाइंड जो शेप है वो कौन है जो शो कर रहा है इट्स अ लॉक एंड की मॉडल सही तो हमारे पास राइट आंसर जो बनेगा दैट इज नोन एज चार्ली लॉक एंड की मॉडल और इसी को अगर आपको याद हो हमने कहा था इट्स कॉल्ड एज अ रिजिड टेम्पलेट मॉडल ये इसका दूसरा नाम है रिजिड टैंपलेट मॉडल लॉक एंड की मॉडल सही क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए ये अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल इज़ अब आपको होता है ये बड़ा एक कॉन्ट्रोडिक्टी सवाल है लेकिन आपकी बुक ने इसको स्पेसिफाई किया हुआ है इसके अकॉर्डिंगली आपको बा, आ, बात करें अगर हम तो आपको आइडिया हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक की किसके लिए होता है एक स्पेसिफिक लॉक के लिए होता है राइट इन द सेम वे पीटीबी में ये लिखा है इन द सेम वे आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक ये कहती है कि स्पेसिफिक की इज रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक लो इन द सेम वे यानी बिल्कुल इसी तरह एक स्पेसिफिक जो इंजाइम है ठीक है जी स्पेसिफिक जो इंजाइम है उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है डेफिनेटली जी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड होता है पॉइंट क्लियर हो गया तो चूंकि उसने कहा इन द सेम वे इट मीन कि वो स्पेसिफिक की किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इंजाइम को और स्पेसिफिक लॉ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सबस्ट्रेट को चलिए अगर इसमें कंफ्यूजन लग रही है आपको आप चले जाइए फेडरल बुक के अंदर फेडरल बुक में क्लियरली तौर पे जहां पर उसने स्पेसिफिक की का वर्ड यूज किया है उसी के आगे ब्रैकेट में उसने इंजाइम को मैंशन कर दिया है अब ये कंफ्यूजन दूर होगी क्या कि स्पेसिफिक की ज एन इंजाइन, वेल द स्पेसिफिक लॉग अब इसके आगे ब्रैकेट में उसने क्या लिख दिया बोला? सबस्टेट पॉइंट क्लियर हो गया इसीलिए लॉग रिप्रेजेंट करेगा सबस्ट को तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ कैंड की मॉडल सबस्टेट इज वॉट तो सबस्टेट एक्ट एज अग तो राइट right आंसर बनेगा एल्फा क्लियर सो ओके सो राइट आंसर देखिए हमारे पास एल्फा बन रहा है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स च ओर द फॉलोइंग इंजाइम फॉलो लॉक एंड की मॉडल अब कौन से इंजाइम है जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं तो अगेन आपको पढ़ना पड़ेगा फेडरल फेडरल में लिखा है कि जो नॉन रेगुलेटरी इंजाइम होते हैं ऐसे इंजाइम जो अब सल्यूट स्पेसिफिसिटी शो करते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं जैसे उसने एग्जाम्पल दी हुई है यूरिया को तोड़ेगा यूरेज इंजाइन बस वो एक ही रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है तो याद रखें लोक एन जो की मॉडल है वो कौन फॉलो कर रहे वाला इसका नॉन रेगुलेटरी इंजाइम क्लियर और द इंजाइम अब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी क्लियर तो इसका राइट आंसर बनेगा चार्ली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेवन है डैश इंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन आप ख्याल कितने इंजाइम है जो प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं क्या सारे इंजाइम प्रोटीन है सम है है या नॉट स्पेसिफाइड तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनेगा चार्ली मोस्ट ऑफ द इंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन अब ये क्या बात हुई सारे क्यों नहीं तो आपने एक चीज पढ़ी होगी राइबोजाइम ठीक है राइबो इम अब ये वो इंजाइम है आपने पढ़ा ये वो इंजाइम है दैट इज आर एन ए बेस्ड है राइट आर एन ए बेस्ड इंजाइम है ठीक है आर एन ए बेस्ड इंजाइम है ये पॉइंट क्लियर हो गया जी चूंकि ये आर एन ए बेस्ड है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे इंजाइम प्रोटीन है मोस्ट ऑफ द इंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्शन राइबो जाइम अंडरस्टैंड इसलिए हमारे पास राइट right आंसर है चार्ली ठीक

टेम्पलेट अंडरस्टैंड तो इसका राइट right आंसर हमारे पास जो बनेगा एल्फा है क्लियर एग्जैक्टली जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट आर कैटलाइज बाय द इंजाइम इज रेफर टू एज अब कौन सी वो स्टडी है जिसमें केमिकल रिएक्शन जो कैटालाइज करें इंजाइम उसको क्या कहेंगे तो याद रखिएगा ऐसे रिएक्शंस जो इंजाइम कैटालाइज कर रहा है उसको हम कहते हैं इंजाइम काइनेटिक्स यानी इंजाइम काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिसको इंजाइम कैटलाइज करेगा और इसी प्रोडक्ट में चेंज कर देगा सही कोई भी एग्जाम्पल ले जैसे सपोज ए प्लस बी ये कोई सबस्ट्रेट है जी इंजाइम की मदद से अगर रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है सी पर डी तो ये स्टडी जो है इसको हम क्या कहेंगे इट विल बी कार्ड एज इंजाइम काइनेटिक्स अंडरस्टैंड तो राइट आंसर बनेगा हमारे पास डेल्टा क्लियर हो गया पॉइंट ओके मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच मॉडल एक्सप्लेन डायनेमिक चेंजेस ड्यूरिंग कैटालिसिस कौन सा मॉडल है जो ये कहता है कि चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग कैटालिसिस कैटालिसिस के दौरान यानी जब रिएक्शन हो रहा था रिएक्शन करेगा एंजाइम तो चेंज आएगी अब आपने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू इंड्यूज फिट मॉडल गिवन बाय द कॉस्टलैंड रिमेंबर उसके अकॉर्डिंगली एक्टिव साइड में जैसे ही सबसेड आके बैठेगा तो उसमें आपने देखा चेंज आएगी लिटल बिट चेंज इज देयर ठीक मॉडिफाइड फॉर्म होती है तो इसको हम नाम क्या देते हैं याद रखिएगा इसको हम कहते हैंड इन ग्लव मॉडल और इसी का दूसरा नाम क्या है बड़ा इंड्यूज फिट मॉडल यानी इंड्यूस फिट मॉडल को ही हम नाम कह देते हैं वाला हैंड इन ग्लव्स मॉडल यानी जैसे आप ग्लव्स में हैंड लेकर जाएंगे आप उसको जैसे मर्जी मोल्ड कर सकते हैं क्लियर तो इट्स अ मॉडिफाइड फॉर्म अंडरस्टैंड की बात तो दिस शोज अ डायनेमिक चेंजेस कब आ रही है ड्यूरिंग कैटालिसिस किस मॉडल के अकॉर्डिंगली है इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज आल्सो कॉल्ड एज अ हैंड इन ग्लव्स मॉडल ठीक होगी जी तो इसका राइट right आंसर हमारे पास बन रहा है अल्फा क्लियर तो ये थे जी कुछ क्वेश्चंस अबाउट इंजाइम एक्शंस के बारे में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया आई होप यू गेट ऑल द आंसर्स एंड अंडरस्टैंड वेरी वेल क्लियर फिर भी कोई क्वेश्चन है यू मे आस्क डायरेक्टली ऑन द स्टार्स ऐप और यू मे ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप ठीक है जी चलिए थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज